हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब, आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सोएस के अनुसार। सोएस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, सोएस ने उन्हें क्या क्या नाम दिया है, वो परतें किन किन पदार्थों से बनी हैं, इन सब पे चलिए बात करते हैं विथ डायग्राम। डायग्राम के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी सोएस का सिद्धांत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में जो दिया गया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस और करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट चीज़, यूपीएससी की बुक विपिन सेंधर, तो आप जानते ही होंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ रहता है। तो यूपीएससी की बुक आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र भी हमारी टीम समाप्त करवा रही है हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सुबह 8 बजे रोज क्लास होती है आधुनिक भारत के इतिहास। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, किसके अनुसार? सोएस के अनुसार। सोएस एक विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे। सोएस के अनुसार हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बटी हुई है। देखिए, सोएस एक विद्वान थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना दो भागों में बटी हुई है। आराम से, अगर आपने पढ़ा है तीन भाग तो उसी पे आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। दो भागों में बटी, एक है ऊपर की क्रस्ट, ठीक है, जो अवसादी शैलों से बनी है। ठीक है, शैलों से बनी है, ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत है। अब आंतरिक परत सोएस ने बताया है कितने भागों में बटी है, तीन भागों में। ऊपरी परत क्रस्ट है, आंतरिक परत तीन भागों में कौन कौन सी बटी हुई है? सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे, तीन परत हो गई। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, डायग्राम में बनाऊंगी तो आसान रहेगा। आंतरिक परत, बात कर लेते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है ये, यहाँ पे आपको जो दिख रही है ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत, ये है क्रस्ट। ठीक है, जो ऊपरी परत सोएस ने बताई। फिर उसके अंदर एक परत है, उसका क्या नाम है? सिया। फिर उसके अंदर एक परत है जिसका क्या नाम है? सीमा। और सबसे गर्भ में है नीफे। ठीक है, नीफे। अब ये किससे बनी हुई है? देखिए, ऊपरी परत क्रस्ट की जो है ये अवसादी शैलों से बनी है। अब बात कर लेते हैं सियाल, सीमा, नीफे की। सियाल बनी है सिलिका प्लस एल्मोनियम। सिलिका, यहां पे लिखते हैं, इसको उधर ही लिख देते हैं, नीचे, सिलिका प्लस एल्मोनियम। एल्मोनियम की बनी है कौन सी परत? सियाल, सी याल। ठीक है, सी सिलिका, याल एल्मोनियम। सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी हुई है ये। देखिए, तो ये जो क्रॉस क्रॉस में है ये क्रस्ट है, ऊपरी परत है जो सोएस ने बताया। फिर सोएस ने बोला कि पृथ्वी की आंतरिक परत तीन भागों में बटी है। ऊपरी परत की मैं बात नहीं करी, आंतरिक परत तीन भागों में बटी है। पहली परत कौन सी है? सियाल, सिलिका प्लस एल्मोनियम। सियाल, सिलिका प्लस एल्मोनियम। फिर हम अंदर क्या देखते हैं, उसके नीचे कौन है? सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अब आंतरिक परत कौन है जो टिक टिक मार्क से आपको समझ में आ रही? नीफे, निकेल प्लस फेरियम, निकेल प्लस फेरियम। ठीक है, निकेल प्लस फेरियम। देखिए, गर्भ है, इसी कारण फेरियम के कारण ही चुंबकीय गति, चुंबकीय शक्ति होती है पृथ्वी के गर्भ में, जो किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचती है। तो उसका असर क्या बताया है सोएस ने? नीफे के कारण। नीफे यानी निकेल प्लस फेरियम है पृथ्वी के गर्भ में। क्रस्ट अवसादी शैलों से बनी है। यहाँ पे सियाल हमें देखने को मिलता है, सियाल ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। सीमा किससे बनी है? आग्नेय शैल, बेसॉल्ट। ठीक है, आग्नेय शैल यानी कि बेसॉल्ट,
पे सॉल्ट सबसे ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा कहाँ से निकलता है? सुएज ने कहा है लावा सीमा से निकलता है। ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है वह सीमा से निकलता है। ठीक है, सियाल ग्रेनाइट चट्टाने, ठीक है, अब सीमा आग्नेयशैल बेसाल्ट चट्टाने, सीमा से ही ज्वालामुखी से लावा निकलता है। सबसे आंतरिक गर्भ में कौन सी है? निकेल प्लस फेरियम, तो चुंबकीय शक्ति है क्योंकि फेरियम है यहाँ पे, तो चुंबकीय शक्ति है, तभी हम कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्वेस ने चुंबकीय शक्ति को ध्यान में रखते हुए सबसे आंतरिक परत को क्या बताया? नीफे, यानी निकेल प्लस फेरियम। तो एकदम क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा सिद्धांत है स्वेस का और बहुत प्यारा सा सिद्धांत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम मुख्यतः बात करते हैं तो दो भाग, अगर आंतरिक संरचना तो मुख्यतः तीन भागों में, लेकिन पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा है? तो दो, एक है बाहरी परत, एक है आंतरिक परत। आंतरिक परत में कितनी परतें हैं? तीन परत है, सियाल सीमा प्लस नीफे। ठीक है, सियाल क्या में देखने को मिलता है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नीफे निकेल प्लस फेरियम। बहुत सीधा सा आसान सा है, सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम और नीफे यानी निकेल प्लस फेरियम। तो सियाल किससे बना है? ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। सीमा किससे बना है? आग्नेयशैल यानी कि बेसाल्ट से बना है। और जो ज्वालामुखी में लावा निकलता है वो भी सीमा से निकलता है। ये किसने बताया? स्वेज ने बताया। स्वेज ने अगर हम बात करते हैं पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा है, तो दो परतों में बांटा है, बाहरी परत आंतरिक परत। आंतरिक परत को स्वेज ने तीन भागों में बांटा है, सियाल सीमा नीफे। बहुत सिंपल है, सियाल जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नीफे निकेल प्लस फेरियम। फेरियम की वजह से ही चुंबकीय शक्ति होती है। तो ये था स्वेज का सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने इसे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है, किताबी लैंग्वेज कभी कभी समझ में नहीं आती। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।